शांति, सुरक्षा और न्याय धरती का सबसे पुराना सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए मानव सभ्यता में कई विचार आए तो देश विदेश में कई हुकूमतें बनी और बिगड़ी, कई लड़ाइयां हुई, लेकिन आज तक विश्व में शांति, सुरक्षा और न्याय का सपना एक सपना ही रहा। किसी भी देश में एक सशक्त व्यवस्था बनाने के लिए शांतिपूर्ण माहौल की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है, तभी किसी भी देश का चहुंमुखी विकास संभव हो पाता है। आज हम एसडीजी के 16वें लक्ष्य के बारे में आपको बताएंगे, जिसका लक्ष्य विश्व में सभी को बिना किसी भेदभाव के शांति, सुरक्षा और न्याय दिलाना है। अंग्रेजी में कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सच्चाई यही है, हमारे देश में न्याय इतना विलंब से मिल पाता है कि वह अन्याय के बराबर ही होता है। जमीन के एक एक टुकड़े को लेकर 50-50 साल मुकदमे चलते हैं। अपराध में मिलने वाली सजा से ज्यादा तो लोग फैसला आने से पहले ही काट लेते हैं। यह सब केवल इसलिए होता है कि मुकदमों की सुनवाई और फैसले की गति बहुत धीमी है। देश की तमाम अदालतों में 2,70,00,000 केस अभी भी पेंडिंग है। हर केस से कम 3 लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में करीब करीब 8 करोड़ लोग सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। भारत के उच्च न्यायालय में 30.84 लाख से अधिक मामले अभी भी पेंडिंग है। हर साल महिलाओं के खिलाफ 3,38,000 से अधिक अपराध दर्ज होते हैं। वहीं 2016 में मानव तस्करी के 8,132 मामले सामने आए। 2016 में हथियार अधिनियम के तहत 53,929 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2006 से 2012 के बीच आईपीसी की धारा 358 के अंतर्गत 2,83,407, धारा 509 के तहत 71,843 और बलात्कार के 1,54,251 प्रकरण दर्ज हुए। इधर के सालों में अदालतों पर मुकदमों का बोझ कुछ हल्का हुआ है। 2014 में केस 41.5 लाख था, जो 2015 में घटकर 38.5 लाख हो गया। भारत में न्यायपालिका को सशक्त करने को प्राथमिकता दिया जा रहा है। इसके लिए जन शिकायत समाधान प्रणाली को प्रगति प्लेटफॉर्म और गांवों में ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे प्रयास शामिल है। वहीं लक्ष्य 16 सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन, सबके लिए न्याय की सुलभता के प्रावधान और सभी स्तरों पर जवाबदेह संस्थाओं के निर्माण को समर्पित है। इसके लिए राष्ट्रीय और वैश्विक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी एवं असरदार होना होगा। साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा ही पुलिस प्रशासन का मूल कर्तव्य बन जाए, तभी कानून का राज कायम और शांतिपूर्ण माहौल स्थापित होगा। पुलिस विभाग को ही सेवा भाव और मित्र भाव की भूमिका का निर्वहन करना होगा। आज हम ऐसे विश्व में जी रहे हैं जहां अशांति और अन्याय का बादल छाया हुआ है। लोगों का एक दूसरे से विश्वास कम होता जा रहा है। लोगों में सामुदायिक काम करने का उत्साह भी मर रहा है और सरकारी संस्थाओं से निराशा का भाव उत्पन्न हुआ है। ऐसे में लोगों और संस्थाओं को शुद्ध साधन से ही शुद्ध साध्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ना चाहिए। साधन के गलत होने पर साध्य भी उचित नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। ऐसे ही एसडीजी 16 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुद्ध साधन का इस्तेमाल करना चाहिए।